ये इसका फर्स्ट एक्सीडेंट का सबूत है मिरर जो मैंने बंसल वाले से डलवाया था, ये वहाँ से है। ये सेकंड है उकलाना मोड़ के ऊपर। और कहाँ हुआ है? और आज ये थर्ड टाइम है सर, उससे पहले ये गाड़ी यही फाल्ट दिखा रही है और एजेंसी मेरे से गाड़ी मांगती है और खड़ी कर लेती है। कितनी बारी एजेंसी में गाड़ी जा चुकी है? तीन बारी जा चुके हैं सर। और अब की बारी कितनी बारी होगी? दसवीं बार। अब दसवीं बारी होगी। दसवीं बारी इसको भेजो भी गए या क्या करोगे अब इसका? सर मन नहीं रहा, अब मैं उनको पास भेजूंगा, मैं उनको उनसे बदतमीजी करूंगा, हर एक काम करूंगा। उनको शर्म तो आ नहीं रही किसी बात की भी। अब आपने बाहर से इंस्ट्रूमेंट भी लगवाए होंगे, वो कहेंगे कि जी बाहर से। वो सर उन्होंने जितना भी मैंने लगवाया था उन्होंने उसका भी इशू उठाया, वो सब मैंने बोला आप उतार दीजिए, वो उन्होंने सब उतार दिया। उसके बाद भी ये गाड़ी हरकत कर चुकी है। आपने कहा नहीं कि मेरे को तो गाड़ी बदल के तो पैसे दे रखे हैं? जब पैसे स्वाद लेने के लिए दिए हैं तो स्वाद नहीं आ रहे तो सीधी बात बदल। सर वहाँ पर ओनली हमारे साथ सर्विस मैनेजर बात करता है, ओनर के पास मैं तीन बारी जा चुका हूँ, वो हमेशा दो दिन के बाद की ही एक मीठी गोली देता है मुझे और भेज देता है सर आपके पास दो दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। कितने दिन चक्कर काट चुके हो? कितनी बारी चक्कर काट चुके हो? सर मैं देख लो, लाल रंग की चप्पल से जाना शुरू हुआ था, आज मेरे पाँव में ब्राउन कलर की चप्पल आ चुकी है, छः महीनों के अंदर अंदर इतने चक्कर कट चुके हैं मेरे। किस्त कैसे दे रहे हो? सर किस्त ऑनलाइन कटती है सर, सारी की सारी किस्त कटी रही है। हाँ जी, तो फिलहाल ये है हालत। नौ बार गाड़ी बताया जा रहा है कि जा चुकी है और अब की बारी दसवीं बार होगी। बार बार मैकेनिक घर पे भी आते हैं क्या चेक करने के लिए? सर ये आ चुके हैं, दो बार ही आ चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स। तो अब इसका करोगे क्या? ये तो यहाँ पे बंद होगी। अब इसको टोचन करूँगा, घर लेके जाऊँगा, थोड़ी देर माथे पे हाथ रखूँगा, फिर चुपचाप कहीं इधर उधर घूमने चला जाऊँगा। और क्या करूँगा इसका मैं, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स है नहीं किसी चीज़ का। अगर इस तरीके की हालत होती है तो आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ पर? अभी सर्विस मैनेजर से क्या बातचीत हुई है? अभी वो कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में आपके पास आ रहे हैं, वहीं हाईवे के ऊपर ही हैं। अब देख लो यहाँ पे उनको कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो चुका है कॉल किए हुए। एक बार शेयर करो, हालत ये है अगर आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं टाटा टेल्मोस पर और टिगोर गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो साहब चार बारी सोच लीजिए, दिमाग की बत्ती जो है ना वो जला लीजिए कि आप 7,10,000 रुपए की एक गाड़ी लेकर आए हैं। सोचा ये था कि फैमिली को घुमाएंगे, लेकिन साहब ये तो चलती फिरती मौत की दुकान निकली, चलती फिरता मौत का सामान निकला। अगर ये चलती गाड़ी बंद हो जाती है और लगता ये है साहब कि चाबी निकाल ली है तो क्या होगा? स्टेयरिंग लॉक, सिस्टम फेल और तोते आदमी को पता ही नहीं कब उड़ जाए, तो ये है हालत। फिलहाल इसको शेयर कीजिए। हाँ एक बात और, अभी कैमरामैन मेरे एक बात और बता रहे थे कि ये गाड़ी जो है ना ये 4-स्टार रेटिंग गाड़ी है। कमाल हो गया साहब, 4-स्टार रेटिंग गाड़ी है और चलते चलते इंसान की सिट्टी पिट्टी घूम कर रही है, यानी कि कहने का मतलब ये इंजन बंद हो जाएगा, आप मरोगे नहीं क्योंकि 4-स्टार गाड़ी है। कमाल हो गया साहब, इस तरीके से कौन काम करता है? ये है हिसार की टाटा टेल्मोस से निकली हुई टिगोर गाड़ी। दोबारा मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करूंगा कि तारीख 10/11/2020 को निकली है। अब इसका करना क्या है, कल क्या होगा, कब इसको शोरूम पर लेके जाएंगे, ठीक होगी या नहीं होगी, या फिर इंतजार हो रहा है? ये देखिए अभी तक तो इसका ये निशान भी नहीं गया। वो कहते हैं ना नई गाड़ी लेने के बाद में आदमी बाबा का धोखा मरवाने लेके जाओ, तो भाई साहब उस चीज़ का निशान आज भी मौजूद है कि भगवान के दरबार पे मंदिर पे जाता है तो माथा टिकवाने के लिए गाड़ी का भी आदमी मत्था टिकवाता है। हाँ जी, 10 महीनों के अंदर सिर्फ 5,500 किलोमीटर चली है, जिसके अंदर ये एजेंसी के चक्कर ज्यादा काट चुके हैं और कहीं नहीं गई फालतू का। 5,500 किलोमीटर। एक बार चाबी मेरे को दोबारा दिखा दो, दोबारा देख लेते हैं। आ जाओ अभी देख लेना आप, 6 महीने हो चुके हैं और 8 या 9 या 10 हजार किलोमीटर तक की, 5,500 किलोमीटर के लगभग। अब ये देखिए 5,700। कमाल हो गया साहब, इधर से देखिए ये देखिए 5,717 गाड़ी चली है 6 महीने के अंदर और अभी तक जितने भी चक्कर काटे हैं इस गाड़ी ने, ये सारे के सारे चक्कर सिर्फ और सिर्फ शोरूम के ही काटे हैं। कभी वहीं पे जाती है वहीं से आती है। अरे साहब कमाल हो गया, दोबारा मैं आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ। ये देखिए ये सिर्फ ऐसे ही सेल्फ ले रही है, इससे आगे वर्किंग ही नहीं, कोई वर्किंग नहीं, चलती गाड़ी फिलहाल बंद हुई है। और स्टेयरिंग लॉक हो जाता है क्या इसका चलती गाड़ी का? पिछली बारी हुआ था सर, आज इस बारी नहीं हुआ क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट में पूरी लाइट थी जिसकी वजह से ये बंद नहीं हुआ, नहीं तो ये पिछली बारी तो लॉक हो चुका था। पिछली बारी लॉक हो गया? हाँ जी, जब ये 100 की स्पीड पे थी, आज तो ये 30 की स्पीड पे थी। 30 की स्पीड पे थी अभी, शायद आपका नहीं हुआ, अगर 100 पे होती तो आपका टिकट तो कट ही जाता सर। वो तो दो बार कटते कटते बच चुका है, तीसरी बारी का क्या पता, या तो किसी की दुआ थी या ऊपर वाले।